जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के गड़ासैनी गांव में बुधवार दोपहर दो दिन पूर्व शादी में डीजे रथ लेकर हुए मामूली विवाद में एक पक्ष द्वारा चलाई गई गोली से एक युवक जहां गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं लाठी डंडों और धारदार हथियार से तीन अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित चार थानों की फोर्स गाँव पहुँची। आपको बता दें कि चिकित्सकों ने घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। भैयालाल यादव ने बताया कि बेटी की शादी 12 जून को हुई थी। घटना के दिन शाम को द्वारचार के दौरान विवाद हुआ। विपक्षी राम आश्रय यादव डीजे रोकने लगे। डीजे रोके जाने की सूचना पर पहुंचे भैयालाल पक्ष से तूतू मैमे हो गए। बाद में पहुंचे लोगों ने सुलह समझौता करा दिया। भैयालाल ने बताया कि हम लोग घर में सो रहे थे, तभी अज्ञात 8-10 लोग पहुंचे और लाठी डंडों असलाह और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। विपक्षी द्वारा चलाई गई गोली भैयालाल के 18 वर्षीय पुत्र सतीश यादव के दाहिने तरफ गले और कंधे के बीच लगी। गोली लगते ही सतीश जमीन पर गिर पड़े। हमले में 44 वर्षीय पलकधारी यादव को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बाबादीन यादव और सविता यादव घायल हो गयी। सूचना पर पहुंची दो एम्बुलेंस से घायलों को नौपड़वा CSC लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात सतीश और पलकधारी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कहीं गोली चलने की घटना हुई है सर? आज दोपहर में लगभग 1 बजे थाना बक्सा अंतर्गत ग्राम गढ़ासैनी में एक सतीश यादव, इसकी उम्र लगभग 19-20 साल है, उसको के गांव के ही उसे जानने उन्होंने एक बारात विवाद के मामले पर घर पर आगारिंग कर दी, जिससे उसे बाएं कंधे पर नीचे पसली फायर इंजरी से बाहर पुलिस सूचना मिली, उसको उपचार के लिए CSC भेजा गया, जहां से रेफर करके जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वो अभी खतरे से बाहर है, सेफ है। इस घटना में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके नाम मिल गए हैं, पुलिस लगातार दबिश ले रही है और इस घटना में एक मुख्य अभियुक्त है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ जब शीघ्र गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर बक्सा से विशाल यादव की रिपोर्ट।